नए साल का पहला दिन और भगवान विष्णु के अवतार के दर्शन, वो भी कुदरत की बाहों में बहुत सारे पेड़ पौधों से घिरे हुए जंगल में बसे प्राचीन और खूबसूरत मंदिर में। वाह, ये साल जरूर बहुत ही खास और यादगार होने वाला है। दोस्तों, मैं जितेश आप सभी का नए साल में और मेरे सेकेंड लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ और दुआ करता हूँ ये साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। शाम के 3:30 बजे और हमारी बुलेट और बड़ा दोस्त लेके बुरुंडी से श्री केशवराज मंदिर की जर्नी स्टार्ट हो गई। बुरुंडी से दापोली 10 किलोमीटर और दापोली से आगे असुदबाग यानी श्री केशवराज मंदिर 6 किलोमीटर पे है। रास्ते में हम ये भगवान परशुराम जी की मूर्ति देख सकते हैं जो एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और बहुत जल्द मैं एक अलग वीडियो में आपको इसके एक्सक्लूसिव दर्शन कराऊंगा। ये दापोली का फेमस सागर सौरी बीच होटल भी रास्ते में देखने मिलता है। आगे जाने पे हम इन खूबसूरत घरों के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। सफ़र और मज़ेदार बनाने के लिए रास्ते में आपका साथ देते हैं ये नदी किनारे, खूबसूरत पहाड़ और ये मंदिर। दापोली का और एक फेमस स्पॉट ये कोकण कृषि विद्यापीठ भी रास्ते में देखने मिलता है। हमें यहाँ से आगे और 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है श्री केशवराज मंदिर पहुँचने के लिए। कुछ आधे घंटे के ड्राइविंग के बाद हम आ पहुँचे श्री केशवराज के एंट्रेंस पे। मेरा भाई बुलेट लेके आगे गया ये सोच के कि वहाँ पे पार्किंग अवेलेबल होगी, बट अफसोस उसको वैसे ही वापस आना पड़ा क्योंकि पार्किंग यही इस मेन रोड पे एडजस्ट करनी है। बड़ा दोस्त भी आ पहुँचा और सब लोग गाड़ी से उतर के मंदिर का सफर पैदल तय करने के लिए रेडी हो गए। सफर के शुरुआत में ही आप ये घर के छत पे सूखने रखी हुई ढेर सारी सुपारी देख आगे का सफर बहुत ही खूबसूरत और कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस करवाने वाला है इस बात का अनुमान लगा लेते हो। आगे जाने पर हमें कुछ स्टॉल्स देखने मिलते हैं जो ज़्यादातर होममेड और ओन प्रोडक्ट सेल करते हैं जो यहाँ की स्पेशलिटी है। सफर में आगे बढ़ने पर हमें चारों तरफ से घिरे हुए सुपारी, पोपली, आम और जैकफ्रूट के पेड़ देखने मिलते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई देखने के लिए हमें पूरी गर्दन अपसाइड डाउन घुमानी पड़ती है। इन्हीं पेड़ों की वजह से यहाँ की हवाओं में एक अलग ही किस्म की दिल को छू लेने वाली ठंडक महसूस होती है जो इस सफर को और भी खूबसूरत बनाती है। आगे बढ़ने पर हमें नदी का छोर देखने मिलता है। वो एंजॉय करते हुए और उसी छोर के साथ थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें एक कॉन्क्रीट का ब्रिज दिखाई देता है जो एक फेमस पुरानी मराठी मूवी गारंबीचा बापू की याद दिलाता है, क्योंकि इस मूवी में यहाँ की शूटिंग है। और ये आप जो लकड़ी के खंभे देख पा रहे हो ये वो समय के पुल के अवशेष है जो वो समय पे यूज़ किया जाता था। आप ये मूवी गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। अब तक हम आधा सफ़र तय कर चुके हैं जो बिल्कुल उतार वाला था और इसके आगे का सफ़र चढ़ाव वाला होगा। अभी तक कोई मंदिर या पहाड़ी पे मैंने उतार चढ़ाव वाली जगह एक साथ तय करके दर्शन नहीं किए। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और लगता है भगवान हमें सफ़र के दौरान याद दिलाना चाहते हैं कि जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते रहेंगे जो हमें बिल्कुल इस सफ़र की तरह एंजॉय करते हुए जीवन का सफ़र भी तय करना है। रास्ते में हमें ये प्यारा सा कुत्ता प्लास्टिक डिब्बे के साथ खेलते हुए दिखा। हम कुछ ही सेकंड्स में मंदिर में पहुंचने वाले हैं और मुझे कोट याद आ रहा है जो कहता है, हैप्पीनेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के पैदल जर्नी को एंजॉय करने के बाद हम लोग इस 5000 साल पुराने श्री केशवराज यानी विष्णु के अवतार के मंदिर में आ पहुँचे। मंदिर के परिसर में पहुंचते ही यहाँ पे मौजूद साल के 12 महीने पानी देने वाला आम के पेड़ की बूंदों से निकलने वाले इस झरने का पानी किसी अमृत से कम नहीं है। यह ठंडा और शुद्ध पानी पी के आपका मन शांत और तरोताजा हो जाता है।
इस मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने मिलकर एक रात में पूरा किया है। भगवान की मूर्ति काले पत्थर से बने 3.5 फीट ऊंची और बहुत ही मनमोहक दिखती है। मूर्ति की आंखों में देख आप ये महसूस करोगे कि वो आप ही को देखे जा रही है। मूर्ति पूर्वाभिमुख है और हाथ में शंख, चक्र, पद्म यानी कमल और गदा विराज है। कार्तिक माह में 2 बार मंदिर में उत्सव मनाया जाता है। श्री केशवराज देवस्थान 22 घरानों के कुलदेवत है। भगवान को हर रोज महाअभिषेक करके नए वस्त्र परिधान करके पूजा और नैवेद्य अर्पण किया जाता है। साल के 12 महीने 2 दिए हर वक्त मंदिर में जलते रहते हैं और ये सारी जिम्मेदारी अभी परिवार के 14वीं पीढ़ी द्वारा निभाई जा रही है। मंदिर के बाई तरफ आपको गणपति बाप्पा की मूर्ति देखने मिलती है। ये दिल को सुकून देने वाला दर्शन करके हमारी रिटर्न जर्नी की शुरुआत हुई और ये शुरुआत को और बेहतरीन बनाया यहाँ पे मौजूद नींबू पानी और कोकम शरबत ने। रास्ता जल्दी जल्दी तय करके हम लोग पहुंचे हम सबका ईगरली अवेटेड मोमेंट मतलब नेचुरल पेडिक्योर एंजॉय करने। सबने यहाँ का शांत और सुंदर नज़ारा देखते हुए यहाँ पे नेचुरल पेडिक्योर एंजॉय किया। वापस जाते हुए रास्ते में मुझे कुछ सुपारी के पेड़ दिखे जिनकी शूटिंग करते वक्त चंद्रमा भी दिखाई दिए और मानो बोल रहे थे अब लेट हुआ है और घर वापसी का समय आ गया है। फिर एक लास्ट स्टॉप लोकल स्टॉल पे लेके कुछ शॉपिंग करके हम सबकी फेवरेट वाली पेप्सी लेके जा पहुँचे गाड़ी की तरफ। पेप्सी ख़त्म करके बरगद के पेड़ जो अभी दुर्लभ हो गए हैं थोड़ी वाह करके घर वापसी की जर्नी स्टार्ट की। होप आप सबने ये वीडियो मेरे साथ एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ सजेशंस हो तो भी कमेंट करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।